हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले दोस्तों कैसे दोस्तों अपने फ़ोन में दोस्तों हम ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को कैसे पेयर और कनेक्ट कर सकते हैं अपने पोको के फ़ोन में, आज की वीडियो दोस्तों हम बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। फ़ोन के सेटिंग पे क्लिक कर दे दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा आपके फ़ोन में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लूटूथ पे क्लिक करना है और अपने ब्लूटूथ सेटिंग को यहाँ से दोस्तों आपको पहले राइट साइड से ऑन कर लेना है। ऑन करने का दोस्तों आप यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने दोस्तों जो भी आपके अवेलेबल डिवाइस है दोस्तों यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, आपको उसी डिवाइस पर क्लिक कर लेना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक पेयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर पेयर पर क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों आपके फ़ोन से ये डिवाइस पेयर हो जाएगा, देख सकते हो दोस्तों कनेक्टेड दिख जाएगा यहाँ पर आपको एक्टिव मिले। और हम इसको अभी अपने फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ से कोई सॉन्ग वगैरह बजाओगे तो दोस्तों आपके ब्लूटूथ स्पीकर में बजेंगे। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑन करके अगर मैं बजाता हूँ तो वो मेरे स्पीकर में बजेंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से किसी भी डिवाइस को पेयर कर सकते हो और कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस डिवाइस पर क्लिक करते हो यहाँ पर दोस्तों आपको रीनेम का ऑप्शन दिखेगा पहले। दोस्तों अगर आप रीनेम करके रखना चाहते हो अपने ब्लूटूथ स्पीकर को, यहाँ पर आप इसके डिवाइस नेम को दोस्तों यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ माई स्पीकर करके, और मैं इसको इस तरीके से रीनेम करके रख लेता हूँ अपने फ़ोन में। दोस्तों जैसे दोस्तों ये जो डिवाइस नेम था हमारा पहले JMD करके, वो यहाँ पर माई स्पीकर के नाम से सेव हो गया हमारे फ़ोन में। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मीडिया ऑडियो कॉन्टैक्ट शेयरिंग, अगर यहाँ पे आप इनको ऑन ऑफ कर जाए तो ये भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप क्लिक करते हो अनपेयर पे तो दोस्तों ये आपके फ़ोन से अनपेयर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपने डिवाइस ने इसका सेव करा था वो भी हट जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको दोबारा से यूज़ करते हो डिवाइस को, दोस्तों यहाँ पर आपको पेयर का नोटिफिकेशन दोबारा से मिलेगा। यहाँ पर आपको अलाउ करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा, फिर दोस्तों आप इस डिवाइस को दोबारा से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अनपेयर कर दोगे तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको अनपेयर कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आगे आप अपने पोको के फ़ोन का दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ का डिवाइस नेम चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ पोको मोबाइल लिख देता हूँ, और हमारे ब्लूटूथ डिवाइस नेम यहाँ पे चेंज हो गया है। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। और आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशनल सेटिंग में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ब्लॉक लिस्ट दीजिए। दोस्तों आपने कोई डिवाइस ब्लॉक कर रखा है ब्लूटूथ डिवाइस, तो यहाँ पर दोस्तों आप अनब्लॉक कर सकते हो अपने फ़ोन में। दोस्तों हम इस तरीके से ब्लूटूथ सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।